फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है, बड़ा मुश्किल काम, इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। अगली चीज रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक रखेंगे, और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं है, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जैसे कुछ लोग, मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज पहले पढ़ता था, दुआ करता था, अब मैंने छोड़ दी, नमाज भी छोड़ दी, दुआ करनी भी छोड़ दी। मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफा बताया, वजीफा भी मैंने किया, पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना घर है, झोंपड़ी में रहता है, उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है कि मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अल्लाह की वर्षी